अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों बिलाल हाजिरा मुगलबर जैवरी से। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो एंड हो चुका है। तकरीबन जो एंड पे ब्रीड्स हैं वही लोगों के पास ब्रीड हैं, तो लोग जो हैं ना अपने परिंदों के बॉक्सेस वगैरह उतार रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा था कि अपने परिंदों के बॉक्सेस उतार दूँ। कुछ परिंदों के मैंने बॉक्सेस तो उतार दिए हैं, बाकी जो है ना वो मैं आज उतारूँगा। और आज मैं अपने शेड की मुकम्मल सफाई भी करूँगा ताकि मेरे परिंदे खुश रह सकें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों ये देखिए, मैं इसीलिए मास्क लेके आया हूँ, अभी मैं मास्क पहनूँगा तो परिंदों के जो शेड है उसकी सफाई करूँगा। तो दोस्तों आ जाएं, इधर करते हैं परिंदों के शेड की सफाई। काफ़ी गंदा हो चुका है शेड में, तो अब मैं इधर जा रहा हूँ, अपने शेड की सफाई करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं सफाई कर रहा हूँ। देखें हर जगह गंद बिखरा हुआ है, अभी कोई भी चीज़ प्रॉपर जगह पे नहीं रखी हुई, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आगे पीछे करके ना, तो सारे केजेस की सफाई अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। सिर्फ एक मेरा पेयर है रिंगनेक का, इसके ये देखें इस बॉक्स में इससे बच्चे निकाले हुए हैं। और इधर ये पीछे एक और बॉक्स लगा हुआ है रॉ पैरट का, ये बॉक्स इसमें बच्चे हैं, बाकी सारे बॉक्सेस खाली हो चुके हैं। तो हम अब सफाई करते हैं और जो बॉक्सेस फारिग हो गए हैं वह उन्हें उतार देंगे, और या उन्हें बंद करके उसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि परिंदे बॉक्स के अंदर ना जाएं और बीमार ना हो। तो दोस्तों ये देखें, नज़ारा भी अच्छा है, सूरज डूब रहा है। और जल्दी जल्दी हम सफाई कर लेते हैं ताकि अंधेरा होने से पहले पहले हम अपना काम ख़त्म कर लें। और ये देखिए दोस्तों कितना गंद पड़ा हुआ है। तो अब हम सफाई करने लगे और फिर एंड पे आपको दिखाएंगे कि हमारा शेड जो है कैसा लग रहा है, सफाई करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने शेड की सफाई मुकम्मल कर ली है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाकर। ये देखिए दोस्तों, अब मेरा शेड कितना प्यारा लग रहा है, सफाई मुकम्मल हो गई है मेरे शेड की। और ये देखें, ये जावा स्पैरो का केज भी साफ़ कर ली है, बाकी ये केजेस जो है अपनी अपनी जगह, सारे केजेस मैंने एक तरतीब से। दोस्तों ये रॉ पैरट का पेड़ मैंने इस केज में शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो पेड़ है ना, ये मैंने अपने कज़न को भेजना है, तो इसलिए मैंने इसे छोटे केज में शिफ्ट किया है। ये रॉ पैरट का पेयर कुछ दिन में अपने कज़न को भेज दूंगा। तो दोस्तों बाकी ये देखें, सारे केजेस में तरतीब से लगा दी हैं। दोस्तों इधर जो एक ब्लैक मास का पेयर पड़ा हुआ था वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया इस केज में। और बाकी ये अल्बिनो स्प्लिट रेड है इसका पेयर है, और ऊपर जो है ना अल्बिनो स्प्लिट रेड है उसके साथ ये देखें पीछे पसनाटा का पीस है वो लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी दोस्तों इस केज में जो मेरा रिंगनेक का पेयर था जो टकिंग करता था वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया ऊपर। ये देखें, ये वो पेयर है जो मेरा टकिंग करता है, और इधर जो पेयर है मेरा ये ब्रीडर पेयर है, इसने चिक्स निकाले हुए हैं। और ऊपर वाले पैर के बॉक्स जो है ना आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी साइड चेंज कर दी है, उसका जो सुराख है वो बंद हो गया है। अब ये इधर ब्रीड नहीं करेगा क्योंकि अब सीज़न ख़त्म हो चुका है, इस वजह से मैंने इनका केज इनका बॉक्स जो है ना उसकी साइड चेंज कर दी है ताकि ये बॉक्स में ना जा सके। और ये नीचे ये देखिए मेरे पास एक न्यू चीज़ आई है, डव है, इसे दोस्तों कहते हैं स्पॉटेड डव। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी है। तो दोस्तों ये पेयर मैं नया लेके आया हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा पेयर है। और ऊपर इसके लिए मैंने ये वो नक्शिंग बॉक्स लगाया हुआ है जो मिट्टी की बनी हुई कुंडी होती है ना, वो मैंने लगाई है इनके लिए, इसमें ये आप ब्रीड करेगी। ये देखिए इसमें मैं नक्शिंग मटीरियल भी रख दिया है। तो ज़रा क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा पेयर है, इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है दोस्तों।
और दोस्तों इधर मेरी डायमंड डव ने भी बच्चा निकाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका चिक जो इसने निकाला है। ये दोस्तों ये देखें, ये मेरी डायमंड डव का चिक है, ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ज़रा ऊंची जगह इस वजह से ये ठीक नहीं नज़र आ रहा, मैं थोड़ा ऊंचा हो गया, आपको दिखाता हूँ ये चिक निकला हुआ है इनका, माशाल्लाह से बड़ा क्यूट चिक है। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो इधर है ना मेरा डायमंड डव का पेयर, उसने भी एक चिक निकाल लिया। ये दोस्तों ये देखिए, अब मैं आपको इधर जो चिक निकला हुआ है डायमंड डव का, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये कहाँ गया, ये देखिए डायमंड डव बैठी हुई है, इसने एक अंडा पड़ा हुआ इसका, ये उड़ के बाहर आ गई है, आपको अब मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए एक चिक निकलाया हुआ है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल मुगल बर्ड्स एवरी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।